नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित। आप देख रहे हैं चैनल इंडिया लाइव। अब रुख करते हैं समाचार की ओर। राजनीति में नए अध्याय जोड़ते हुए बेगमपुर स्थित भारतीय सत्य विजय पार्टी ने अपने नए छात्र मोर्चा आरंभ किया। बताना चाहेंगे कि नई युवा मोर्चा की बागडोर श्री रोहित राज को दी गई, यह फैसला पार्टी के कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। यह फैसला उनकी राजनीतिक सूझबूझ और समझदारी को ध्यान में रखते हुए तथा राजनीति में युवाओं के रुझान एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए किया गया। बता दें कि बीते दिनों में पार्टी ने कई जगहों पर प्रदर्शन और सभाएं की ताकि वह लोगों से और करीब हो सके। श्री मुकेश शर्मा पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि भारत में अब वह समय आ गया है जब नौजवानों को राजनीति में आगे लाना होगा, नई सोच को पुरानी राजनीति में घोलना होगा। श्री शर्मा मानते हैं कि वह समय दूर नहीं है जब आवाम आवाज उठाएगी कि जब तक उछाले जाएंगे और जब समय में बदलाव होगा। भारतीय सत्य विजय पार्टी इसी सोच के साथ इसी बदलाव को लाने के लिए कार्यरत है। इस मौके पर पार्टी महासचिव टीनम शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय सत्य विजय पार्टी से देश भर में लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय सत्य विजय पार्टी की ओर से सब सहमति से रोहित राज जी को उत्तर प्रदेश से युवा छात्र मोर्चा से सचिव बनाया गया और ये इनकी काबिलियत और मेहनत को देख के बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में छात्र मोर्चा को ये संभालेंगे। भारतीय सत्य विजय पार्टी ने बहुत सोच विचार करके ये चौथा मोर्चा बनाया छात्र मोर्चा, क्योंकि अब जरूरत है युवाओं को आगे आने की, अब जरूरत है छात्रों को आगे आने की, तभी देश में बदलाव होगा, तभी सत का बोलबाला होगा।